अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दावत चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पुलाव, जिसको काबली पुलाव भी कहते हैं। पहले हम यखनी बनाएंगे, फिर इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर हम चावलों की चीज़ बताएंगे। तो पहले इसके लिए यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल, 6 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, मोटा लहसुन है। मैंने 1 प्याज लिया था जिसको 4 हिस्सों में मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। मटन लिया है मैंने 1/2 kg, धनिया लिया है मैंने साबुत 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 3 मैंने ऐसे इलायची ली है बड़ी वाली साबुत गरम मसाले वाली, 4 मैंने छोटी दालचीनी के ऐसे लिए हैं, देख सकते हैं आप, और मैंने 20 काली मिर्च के दाने लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें अदरक नहीं डलेगा, इसमें लहसुन का पेस्ट डलेगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, फ्लेम ऑन कर दिया, हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें गोश्त डाल देंगे, मटन। अब हम इसको कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, मैंने लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है, जो पेस्ट मैंने दिखाया था 1 टेबल स्पून आपने डाल देना है वो, और इसको भून लेना है थोड़ा सा। आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, जिनको गोश्त में से हमक का प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसको इस तरीके से भून लेती हूँ लहसुन के पेस्ट पे, अदरक का पेस्ट इस पे नहीं डलेगा। साथ ही हम लोग इसमें पानी शामिल कर देंगे। अगर आपने ये ऑयल के साथ लहसुन के साथ नहीं भूनना, तो आप बस गोश्त में डायरेक्ट ही पानी डाल के बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लहसुन के जवे डाले हैं मैंने 6 अदद, प्याज डाल दिए, 5.5 गिलास मैंने पानी लिया है इसके लिए, नमक डाला है 1 टीस्पून, धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और बाकी ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखाया था, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, ये डाल देनी है। अब हम इसको ढक देंगे, 20 मिनट पे हमारा मटन गल जाएगा। मैंने 5.5 गिलास पानी के डाला है, तो 4 गिलास पानी हमें, 2 कप चावल चाहिए तो हमें 4 गिलास पानी इसकी यखनी का चाहिए होगा, इसलिए बस हम 20 मिनट बाद आते हैं, जब तक हम अपनी चावलों की प्रिपरेशन करते हैं। जी, 20 मिनट हो गए, मैंने इसकी सीटी निकाल दी थी ताकि इसकी हवा और प्रेशर कम हो जाए। इसको खोल के गोश्त चेक कर लेते हैं। मटन हमारा गल चुका है, अब हम इसकी मटन और यखनी अलग अलग कर लेंगे। जी, हमने यखनी और गोश्त अलग कर दिया है। ये यखनी मैंने 4 कप निकाली, मेरी 4.5 कप बची थी, लेकिन मैंने 4 कप ही निकाली क्योंकि हमें उसी की ज़रूरत है। अगर आपकी यखनी कम हो जाए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कप बचे तो आप 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। और गोश्त में से मैंने जो भी प्याज और लहसुन और गर्म मसाला था वो सब निकाल लिया है, सिर्फ रूखा गोश्त ही रहने दिया है मैंने। जी, चावल की तैयारी हमने कर ली थी, उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, आप घी या ऑयल में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के, जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। प्याज लिए हैं मैंने, सिर्फ 1 मैंने प्याज लिए है दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। मैंने 1 कप किशमिश ली है, किशमिश आप देख सकते हैं, मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है, 1 कप मैंने ली है। मैंने 3 बड़ी गाजर ली थी, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, गाजर की शेप आप देख लें।
नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे, मैंने सेला चावल लिए हैं तो मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए भिगोना था तो मैंने ये भिगो दिए हैं पहले ही। 2 कप मैंने चावल लिए हैं जी। अब हम ये स्टार्ट करते हैं जी। हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया, हम इसमें किशमिश डाल देंगे। जी आप देख सकते हैं किशमिश कैसे फूल रही है, ये फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैं गाजर डाल दूंगी। जी आप देख सकते हैं साइडों से हल्की हल्की सी ब्राउन हो रही है। हम इसके अंदर हाफ चीनी, जो 1 टेबलस्पून हमने 2 टेबलस्पून लिए ना, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे। चीनी इस पे मेल्ट हो गई है, हम इसको निकाल लेंगे। आप देखें इस तरीके की होंगी है। अगर आपकी ये चाइना वाली गाजर है, अगर आपकी दूसरी गाजर है पाकिस्तानी, तो उसमें आपको 1/2 टेबलस्पून चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। गाजर निकालिए, इसी में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को सिर्फ हमने हल्का सा पकाना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। प्याज का बस हमने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, ब्राउन नहीं किया है बिल्कुल भी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, बिल्कुल थोड़ी सी यखनी डाल के हम इसको ढक देंगे जी। 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको उठा के चेक कर लूँ। टमाटर का पेस्ट बन चुका है, देख लें सारे टमाटर पिस गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला, चीनी, नमक, साथ ही हम डाल देंगे यखनी जो कि 4 कप है। तो एक उबाला आ जाए तब तक ढक देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। हमने चावल डाल दिए हैं, अब इसको हम हाई फ्लेम पे जब तक पानी सूख नहीं जाए ऐसे ही पकाएंगे जी। अब इसका पानी सूख गया है, मैंने ये 10 मिनट के लिए तवा प्री हीट होने रख दिया था। अब मैं चावलों को दम पे रख दूंगी। इसके अंदर हम डाल देंगे मटन। गाजर जो हमने तैयार की थी, किशमिश। अब हम इसको ढक देंगे, कोई हैवी सी चीज उसके ऊपर रख देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे दम दे देंगे जी। 20 मिनट हो गए, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, इसके ऊपर से वजन हटा दिया। अब खोल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें जबरदस्त सा हमारा पुलाव रेडी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। जी ये देख लें जबरदस्त सा हमारा अफगानी पुलाव रेडी है, जिसको काबली पुलाव भी कहते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा आप ये। बस ये याद रखिएगा, इसका गोश्त बहुत ही नरम और सॉफ्ट आप गलाएं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।